In any case, let us talk about something totally different and which is cricket. Because we have still not gotten over that Australia and New Zealand mein kya hua tha. याद है ना आपको बदतरीन शिकस्तों का जिम्मेदार कौन है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम को आगाह करना चाहते थे। पहले बोर्ड हुकाम ने इजाजत भी दे दी थी, लेकिन फिर हफीज ने इरादा बदल लिया या उन्हें रोक दिया गया? तो ये दिस इज अ क्वेश्चन। और जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद हफीज के कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक तौसी नहीं हुई, जो खत्म हो चुका है बाय द वे। और हफीज नहीं चाहते कि कोई बात बोर्ड हुकाम की नाराज का बायस जो है वो बने, और कुछ का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड ने खुद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका है। और ऐसी भी बातें हो रही हैं कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में सोशल मीडिया पर फैली यकतरफा जो गॉसिप है, सारी बातें हो रही हैं, उनको दूर करके खुद को क्लियर करना चाहते हैं, तो मौका नहीं मिल रहा बेसिकली उन्हें। देखें, मामला जो भी हो, आवाम की तवक्कात होती हैं, वी आर सो इन्वेस्टेड इन क्रिकेट, इतना ज़्यादा इसमें पैसा इन्वॉल्व है, हमारे स्टार्स ही यही लोग हैं। मैं तो कहता हूँ हमारे फिल्म स्टार जो हमारे जो स्टार हैं वो यही लोग हैं, यही हमें बिलबोर्ड्स के ऊपर नजर आते हैं, यही हमें टीवी इश्तहारात के अंदर नजर आते हैं, यही हमें सोशल मीडिया पे एंडोर्समेंट्स करते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए नजर आते हैं ना, बिकॉज पीपल लव देम। पीपल, व्हाई डू पीपल लव देम? बिकॉज हमें इनसे तवक्कात हैं, हमें अच्छा लगता है जब ये अच्छा खेलते हैं। और प्लीज ये भी याद रखें कि हफीज ऑलरेडी कह चुके हैं पहले भी कि इनका फोकस नहीं था, इनका फोकस यही जानना था कि इनको कौन सी लीग्स का एनओसी मिल रहा है, हमें ये जानना है कि टीम जीत के ट्रैक से दूर क्यों होती जा रही है। अच्छा जी, हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यहया हुसैन साथ हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम यहया, सबसे पहले माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद, दोनों हैं ना? Both of them are with... I would like to express my condolences to यहया, आपकी वालदा के इंतकाल पर प्लीज हम ताजियत करना चाहते हैं। उसके बाद अब जाहिर है आप हमारे पास आ रहे हैं कुछ दिन के वक्फे से, सो प्लीज अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनके दर्जात बुलंद करे। बट व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? यहया, आपके तो हफीज दोस्त भी हैं, सो उन्होंने आपको बता दी अंदर की बात कि हुआ क्या? सबसे पहले तो अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया, और हुमा आपका बहुत शुक्रिया, और पूरी का बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ रही। माजिद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं इनका तहे दिल से मशहूर हूँ, क्योंकि मुझे जो भी मिल रहा है वो मुझे कहता है यार आपने वालदा की बड़ी खिदमत किया है, एंड क्रेडिट गोज़ टू माजिद भट्टी साहब का, आपने सबको ये बताया। खैर, मैंने कोई खिदमत नहीं की अपनी वालदा की, ये मेरा एक बेटे की हैसियत से हक था जो मैंने अदा करने की कोशिश की, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अब आज का जो आपका सवाल है, देखें हफीज मेरे दोस्त हैं और वो बिल्कुल मुझसे बात करते हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन पॉलिसी मैटर में ना मैं उनसे बात करता हूँ ना वो मुझे बताते हैं, और बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हकीकत है वो डेफिनेटली एक साफी की हैसियत से मैं उससे आगाह रहता हूँ, और क्रिकेट को कुछ 20 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, तो हमें भी राइट लेफ्ट का, आगे पीछे का, चीज़ों का पता है, कौन शॉट खेलता है, कौन शॉट खेलवाता है। तो ये जो हफीज का जो आप मामले की बात कर रहे हैं, देखें हफीज के आने के बाद एक चीज तो तय थी कि लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया चौधरी दकाशफ को, उनके फैसलों को, लेकिन आपको ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो 3.5 साल से एक खिलाड़ियों का बंच, एक ग्रुप आपको मौजूद नजर आ रहा था, होना चाहिए, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन वो मोहसिन हसन खान साहब कहते हैं ना, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। तो भाई पाकिस्तान के लिए आप खेलेंगे तो हर कोई आपको सर आंखों पर बिठाएगा, लेकिन जो नतीज थे पिछले 3.5 सालों में वो इस बात की गमबाजी नहीं कर रहे थे, और अब अंदर से आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो बाहर आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। हफीज आए और हफीज की अंडर लीडरशिप पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया में थी बिल्कुल उलट नजर आई आपको न्यूजीलैंड के अंदर। और शाह खावर साहब के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई उसमें शाह खावर साहब ने खुद आकर ये बात की, जो कि इस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कि हमारे खिलाड़ियों का जो फोकस है वो लीग क्रिकेट के ऊपर ज्यादा है बनिस्बत इसके वो पाकिस्तान से खेले। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जो आखिरी T20 मैच पाकिस्तान की क्राइस्टचर्च में खेल रही थी उसमें बाबर आजम जो थे वो कुछ हेजिटेट कर रहे थे कि नहीं खेले, फिर वो आए और उन्होंने 23 गेंदों पर 11 या 13 रन स्कोर किए। वो फील्डिंग के लिए नहीं आए क्योंकि वो जो है वो कुछ स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फिटनेस को लेकर, लेकिन वही बाबर आजम कोई 23 घंटे की फ्लाइट लेकर न्यूजीलैंड से बांग्लादेश पहुंचते हैं और जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। जी, पहले वो फील्डिंग करते हैं और उसके बाद फिर वो मैच भी खेलते हैं। तो अब इसके बाद कुछ कहने के लिए और सुनने के लिए बचता नहीं है कि भाई आपकी तरजीहात पाकिस्तान क्रिकेट है या लीग क्रिकेट है। जहां तक हफीज के मामले की बात है
तो हफीज के आने के बाद कुछ बहुत जरूर गिरे थे, कुछ चीजें ठीक होने जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का आपको पता है खासा है कि पल में तोशा पल में माशा, और हफीज का अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल उनको ना पैसे की जरूरत है, उनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कुछ कड़वी गोलियां जो है ना वो निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उन्होंने आकर कुछ चीजें करने की कोशिश की थी। आपके सामने अभी मिसाल वेस्ट इंडीज की टीम की है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है 97 के बाद ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कैचेस लिए हैं स्लिप में और हमने कैचेस ड्रॉप किए थे, और ये सारी चीजें आपके सामने थी। और फिर हम मुझे हम, अभी भी लगता है कि फिर हम मजाक भी करते हैं ना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, उसकी तौजीहात भी पेश करती हैं। दिस इज योर जॉब, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। अच्छा भट्टी साहब, हम बात पता नहीं लग रहा है या लग रहा है, ये आपको पता लगना चाहिए क्योंकि बाकी दुनिया भी स्लिप पे कैचेस लेती है। अच्छा भट्टी साहब, बात तो हमने शुरू की है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से, लेकिन अगर हम उससे पहले भी चले जाए एशिया कप वर्ल्ड कप, हमारी परफॉर्मेंस मतलब बिफोर हफीज भी खराब होना स्टार्ट हो गई थी, तो वो कहना कि वो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो इस वक्त हैं उनसे हमने पिछले 3 सालों में काफ़ी सक्सेसेस भी देखी हैं, लेकिन फॉर द पास्ट ईयर और मोर हफीज और नो हफीज हमारी कुछ जेल होना, हम अनजेल हो गए थे, तो ये किसी एक बंदे का तो खैर उस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकती। हाँ ये बात ज़रूर की जा सकती है कि उन्होंने आके कोई बेहतरी नहीं ला पाए, लेकिन हम अपना डाउनफॉल काफ़ी अर्से से देख रहे हैं। देखें हुमा और अब्दुल्ला, बेसिकली पाकिस्तान टीम का ये जो हमख्याल ग्रुप था जिसकी याया बात कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों को टीम में आने देते थे जिसको ये चाहते थे। बाहर से बहुत ज़्यादा लोग इस टीम में आप देखें पिछले 1.5-2 साल में आ नहीं सके। जिन लोगों ने इनसे थोड़ी सी बगावत करने की कोशिश की है या इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाई, वो पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना सके। इमाद वसीम हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो मैच विनिंग स्पिनर थे, लेकिन इमाद वसीम को इन्होंने इतने दुख दिए कि फाइनली इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। बेसिकली मोहम्मद हफीज ने इस ग्रुप के खिलाफ जाकर एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जिससे पाकिस्तान की टीम जीत पर जा सके। आपको याद होगा जब हम अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हारे, मैंने सुबह आपके प्रोग्राम में आके बताया कि रात को मोहम्मद बाबर आजम ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान टीम का फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है। फिर कुछ अरसे पहले जब मैं सिकंदर बख्त और दानिश अनीस हमने इंटरव्यू किया चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का, तो उन्होंने कहा कि जब हमने मैंने और हफीज ने ये चार्ज संभाला तो हमें कहा गया कि आपने फिटनेस में कोई बात नहीं करनी और फिटनेस पर सोचना ही मना है, टेस्ट हाँ सोचना भी मना है। टेस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट तो बड़े अरसे से खत्म हुआ हुआ था, यो-यो टेस्ट का आपको पता ही है। बिल्कुल, तो मोहम्मद हफीज ने बेसिकली कुछ नया करने की कोशिश की। अब आप देखें ना, हम शमर जोसेफ जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर है, 3 दिन से दुनिया भर में उनका चर्चा है जी। वो 150 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं, लेकिन आखिरी दिन वो किट भूल कर आ गए कि मेरी टांग में दर्द है, मैं मैच नहीं खेलूंगा। कप्तान ने कहा नहीं, तुमने मैच खेलना है, होटल से किट मंगवाकर उसको आखिरी दिन बॉलिंग करवाई गई और 27 साल बाद वेस्टइंडीज ने मैच जीत लिया। यहाँ पर हारिस रऊफ जो थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने से मना कर दिया, हमने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर उनको बिग बैच के लिए NOCs दे दी। तो कहने का मकसद है कि हमने इतना ज्यादा लाड और प्यार अपने हमख्याल लोगों को दिया था कि उसकी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी, और लड़के जो थे वो कंट्रोल से बाहर थे। हफीज ने जब अच्छा चले, वो T20 स्पेशलिस्ट भी वो कहलाते थे, फिर T20 में भी हमने उनकी कारकर्दगी देखी ली। या हम यही आपसे भी जानना चाहेंगे कि वी अंडरस्टैंड यू नो हाउ दिस हैपेंड, और हम सबकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, अच्छा परफॉर्म करते थे, हमने स्टार बनाया, इन लोगों को स्टार बनाया, लेकिन उसके बाद जो वज़ादार इंसान होता है वो ऑन ग्राउंड रहता है, हम्बल रहता है और सिस्टम की बेहतरी के लिए, टीम के लिए काम करता है, बजाय इसके कि ग्रुप बना के सबको एलिनेट करना शुरू कर दे। इमाद वसीम वाला वैसे कुछ चेमागोइयां तो थीं, लेकिन भट्टी साहब ने आज ऑन एयर ही तस्दीक की है कि वो भी इसी पॉलिटिक्स का शिकार हुए थे। तो हफीज आके ऐसा क्या कर रहे थे जो शायद और लोग, अभी हफीज का वैसे चैप्टर क्लोज शायद ना हो और वो दोबारा जिम्मेदारियां सर अंजाम दें, लेकिन वो क्या ऐसा करना चाहते थे जो प्रॉब्ली इन लोगों को नहीं अच्छा लगेगा या लग रहा था? देखिए, ये दूसरी मरतबा मैं आपके शो में बता रहा हूँ, इससे पहले जब कुछ दिन पहले मैं आपके शो में था मैंने आपको बताया
ये बात दलाइल से अगर आप करें ना तो समझ आती है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो इस वक्त हमारा माशरा है उसमें आप दलाइल से भी बात करें तो अगर आपने जहन बनाया हो तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पिंडी में पाकिस्तान टीम का कैंप लगा और उस वक्त मोहम्मद हफीज की जगह मिक्की आर्थर को उस कैंप को कमांड करना था, लेकिन अचानक पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली आई तो पता ये चला कि चार दिन की कैंप में छुट्टी थी जी, और छुट्टी की वजह ये थी कि इमामुल हक साहब जो थे उनकी शादी थी तो सारे लोगों को उधर जाना था। तो हफीज ने कहा कि भाई शादी इमामुल हक की है तो फहीम अशरफ की है, वो छुट्टी करें, बाकी जो खिलाड़ी हैं वो तो कैंप में रहेंगे। तो अब आप अंदाजा करें कि अपनी मर्जी और मंशा से चीजें चल रही थी। फिर जो हारिथ रऊफ की माजिद भट्टी साहब ने बात की, देखें हारिथ रऊफ बिल्कुल उनका ये सवाबदीदी अख्तियार है कि वो नहीं खेलना चाहते, कोई मसला नहीं है, लेकिन हारिथ रऊफ पाकिस्तान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बी कैटेगरी में है जिनको उसके 40 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है। तो भाई आप ट्रेंट बोल्ट की तरह जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, तो हारिथ रऊफ भी नहीं देते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आपका ब्रेड एंड बटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप मना नहीं कर सकते। अब हफीज क्या कर रहे थे जो आपका पर्टिकुलर सवाल है कि जो तकलीफ हुई जो मसाइल का सामना करना पड़ा, तो हफीज ने आने के बाद बहुत सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये 100 बरस की बीमारी है, 2-4 दिन की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हफीज ने आकर जो चीफ की वो ये थी कि उन्होंने कहा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा। उन्होंने आकर सबसे पहले ये कहा कि भाई ग्रुपिंग पाकिस्तान टीम में नहीं होगी और जो परफॉर्मर होगा वो पाकिस्तान टीम में खेलेगा। मीर हमजा को उन्होंने मौका दिया, उन्होंने मौका दिया खुर्रम शहजाद को जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर थे, और उसके बाद आपने न्यूजीलैंड में देखा कि वहां रियाज जो थे उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका दिया। लेकिन जो थोड़ी देर पहले माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे कि कुछ हम ख्याल लोग शामिल थे, आपने हारिस की बात की, हारिस की आपने बात नहीं की, हारिस बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए चले गए और उनको वहां पर एनओसी नहीं मिला। बात हम कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में अगर रिजवान का मुतबादिल कोई है तो सरफराज को होना चाहिए जो कि उस वक्त परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आप नहीं लेकर गए सरफराज को, आपने हारिस को टीम के साथ रखा, हारिस को अब वहाब रियाज ने टीम से ड्रॉप किया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे नए लड़के आए। मसला पाकिस्तान क्रिकेट का ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि 3.5 साल से हमने हीरोज भी क्रिएट किए, हमने रिजल्ट भी प्रोड्यूस किए, तो आप मुझे बता दीजिए मिनोस के खिलाफ तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वर्ल्ड कप 2003 और उससे पहले एशिया कप हमारे लिए आई ओपनर है, और फिर उसके बाद जो ये फिटनेस का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन ने मुझे ये बताया कि उनको मिक्की आर्थर ने कहा कि भाई हमें रमीज राजा ने कहा है कि आपने बाबर आजम को टच नहीं करना क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के किंग है, और 5 लड़के जो है पाकिस्तान क्रिकेट में उनका फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। तो इस कल्चर को जब हफीज चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर मसाइल तो होंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें वैसे याहिया आपने बताई हैं, लेकिन भट्टी साहब ये तो अपनी मनमानी कराने वाली बात होगी। नाउ इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशंस बायलॉज जिसमें जो भी उस टीम का हिस्सा होगा उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, कोई भी दुनिया का आप स्पोर्ट ले लें देयर आर सम बेसिक्स जो कि आपको करने ही हैं। तो ये प्लेयर्स बिगर देन द गेम कैसे हो गए कि जहाँ जी बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके फिटनेस टेस्ट ही नहीं होने, फिटनेस पे बात ही नहीं होनी, किसी ने लीग खेलनी है कोई जिस तरह हारिस रऊफ ने रिफ्यूजिंग टू प्ले टेस्ट, मतलब ये सारी चीज़ें फिर किस तरह होती हैं? कोई इसकी पेनल्टी, कोई रेप्रिमांड कि अगर आप ये नहीं कर सकते या फिटनेस में आप तवज्जो नहीं दे सकते यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द टीम, कोई ऐसी बातें नहीं होती हमारे यहाँ? देखिए जब इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाए तो इदारा हुमा खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है जितने हमने पिछले 6-8 महीने में नताई दिए हैं। उसकी बेसिक वजह ये थी कि ये हमख्याल ग्रुप्स का जो एक प्लेयर्स का एक जो ग्रुप था वो अपनी मनमानियां करता रहा। मिक्की आर्थर जब आए तो मिक्की आर्थर ने इनसे हेड ऑन होने की इसलिए कोशिश नहीं की, को एक वक्त में 2 नौकरियां कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इनसे कुछ हेड ऑन होने की कोशिश की तो ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लिहाजा मिक्की आर्थर ने इनकी हाँ में हाँ मिला दी। और उन्होंने महीने के तकरीबन कोई 35 लाख रुपए मिक्की आर्थर लेते रहे लेकिन वर्क फ्रॉम होम करते रहे। तो बेसिकली डॉक्टर्स, फिजियो, ट्रेनर सब जो थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। उनके कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से पाकिस्तान टीम छोटी टीमों को तो हराती रही,
जहां हमें बड़ी टीमों का मुकाबला करना पड़ा वहां हम हारे, लेकिन एशिया कप फिर वर्ल्ड कप में ये भांडा उस वक्त फूटा जब अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम उसके बाद आप देखें संभली नहीं। एक आध कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जिस तरह बेंगलोर में फखर जमान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बना दी, पाकिस्तान जीत गया, अदरवाइज ये ग्रुप जो था ये डोमिनेट करता रहा, ये अपनी मनमानियां करता रहा। अब ऑस्ट्रेलिया में और उससे पहले जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रही थी तो ये लड़के पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के साथ पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसों के इशू पर मीटिंग्स करते रहे, उनका फोकस वहां चला गया, और फिर जब ऑस्ट्रेलिया से टीम ने न्यूजीलैंड जाना था तो बजाय ये कि लड़के खेल पे तवज्जो देते उनकी तवज्जो ये थी कि पीसीबी हमें एलओसी दे दे, देगा या नहीं देगा, व्हिच इज अ ट्रेजेडी। वो पैसों की तरफ जी, और ये बात अब नहीं है, ये बात कितनी मर्तबा इसी प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग और सिकंदर बख्त सभी कर चुके हैं। थैंक यू याया फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। दिस इज अ ट्रेजेडी, दिस इज टीम पाकिस्तान जिसके लिए खेलना बाई से फख्र होना चाहिए, एंड आई एम श्योर होगा भी। सॉरी, जब भट्टी साहब ने वो टर्म यूज किया ना हम ख्याल ग्रुप, तो दैट इज प्योर पॉलिटिक्स, और हम जब अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की और उनके आगे से फैक्शंस होते हैं ये वो उनकी बात करते हैं तो वो हम ख्याल ग्रुप आता है। वी डू नॉट एक्सपेक्ट दैट इन स्पोर्ट्स एट ऑल, एंड आर मोस्ट लव्ड स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, तो उसमें भी ये ग्रुपिंग हो जाए एंड ऑल दैट, दैट्स वेरी सैड। और वर्स इज द फैक्ट कि नवंबर पिछले साल से लेके अब तक हम लिटरली 4 नवंबर से अब तक एक मैच, सिर्फ एक टी20 मैच, वो भी अभी जो न्यूजीलैंड के साथ आखिरी वाला जो था।